किसानों के नए कानून आ रहे हैं, उन कानूनों से दुर्गा माता की शक्ति बढ़ी या घटी? नोटबंदी से हिंदुस्तान में मां लक्ष्मी की शक्ति बढ़ी या घटी? हर कॉलेज में, हर स्कूल में आरएसएस का व्यक्ति बैठाया जाता है, तो सरस्वती माता की शक्ति बढ़ती है या घटती है? कल माता जी के मंदिर में मैं गया। मंदिर में तीन सिंबल्स थे। आप सब गए हो? गए हो ना? आपने देखा है? अंदर जाकर आपने देखा? वहां पे तीन सिंबल्स थे। दुर्गा जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती। सही बोला? आपने देखा? अब दुर्गा, जिसको हम दुर्गा मां कहते हैं, दुर्गा क्या है? दुर्गा शब्द दुर्ग से आता है। सही? दुर्गा मां मतलब वो शक्ति जो रक्षा करती है। सही बोला? ठीक है। लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं। लक्ष्मी शब्द कहां से आता है? नहीं नहीं, ये गलत है, ये आप कर रहे हो, ये गलत है। ये लक्ष्मी नहीं है, मैं आपको आज बताने आया हूं। लक्ष्मी का मतलब वो शक्ति जो लक्ष्य को पूरा करती है। अगर आपका लक्ष्य पैसा है तो फिर जो आपने बोला वो सही है। अगर आपका लक्ष्य कोई और, कुछ और है, तो उस लक्ष्य को पूरा करने का काम जो शक्ति काम करती है उसको हम लक्ष्मी कहते हैं। और सरस्वती वो भी एक शक्ति है, विद्या, ज्ञान, नॉलेज जिसको हम कहते हैं, वो सरस्वती है। तो ये तीन शक्तियां हैं। और जब ये तीन शक्तियां घर में होती है, देश में होती है, तो देश की तरक्की होती है। अब आप बताइए, नोटबंदी से हिंदुस्तान में मां लक्ष्मी की शक्ति बढ़ी या घटी? बढ़ी या घटी? जोर से बोलिए, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हो। बढ़ी या घटी? घटी। जीएसटी से लक्ष्मी की शक्ति बढ़ी या घटी? घटी। जो किसानों के नए कानून आ रहे हैं, उन कानूनों से दुर्गा माता की शक्ति बढ़ी या घटी? नुकसान हुआ, उनका चोट पहुंची। जब हिंदुस्तान के हर इंस्टीट्यूशन में, हर कॉलेज में, हर स्कूल में आरएसएस का व्यक्ति बैठाया जाता है, तो सरस्वती माता की शक्ति बढ़ती है या घटती है? तो ये हो क्या रहा है? अब दूसरे तरीके से बोलता हूं। जब कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा लागू किया, लक्ष्मी की शक्ति बढ़ी या घटी? जब कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान को 9% जीडीपी ग्रोथ रेट दिया, लक्ष्मी की शक्ति बढ़ी या घटी? दुर्गा की शक्ति बढ़ी या घटी? सरस्वती की शक्ति बढ़ी या घटी? तो ये हो क्या रहा है? जो अपने आप को हिंदू कहते हैं,
जो वैष्णो देवी में जाके मत्था टेकते हैं वो उन्हें शक्तियों का अपमान करते हैं। ये हो क्या रहा है? कहते हैं कि हम धार्मिक लोग हैं और फिर उन्हीं शक्तियों को दबाने का काम करते हैं। आपके साथ क्या किया? सबसे पहले जो मैंने बोला, आपका जो कॉम्पोजिट कल्चर था उस पर आक्रमण किया, जो आप में भाईचारा था, प्यार था, उस पर आक्रमण किया, आपको कमजोर किया और फिर आपका स्टेटहुड लिया। सीधा सा सवाल, आपका स्टेटहुड गया, लक्ष्मी की शक्ति बढ़ी या घटी? सरस्वती की शक्ति बढ़ी या घटी? दुर्गा की शक्ति बढ़ी या घटी? तो फिर सीधी सी बात है, आप अपना धर्म समझते हो? आपको यह सवाल बीजेपी के लोगों से पूछना चाहिए। आप दुर्गा मां की बात करते हो, आप लक्ष्मी की बात करते हो, आप सरस्वती की बात करते हो, तो उनकी शक्ति को आप नष्ट क्यों कर रहे हो? अब मैं आपको दूसरी चीज बताता हूं। अब मैंने शक्ति की बात की तो बाकी बात भी कर देता हूं। आपने ये चिन्ह कहीं देखा है? मेरे सिख भाई हैं, आपने ये चिन्ह कहीं देखा है? कहां देखा है? कहां देखा आपने ये चिन्ह? हाँ, ये हाथ नानक जी के फोटो में दिखता है आपको? ठीक है, यहां पे शिवा की किसी ने फोटो देखी है उसमें ये चिन्ह दिखता है आपको? दिखता है? महावीर का की फोटो देखी आपने उसमें ये चिन्ह दिखता है? यहां जो हमारे मुसलमान भाई हैं, जब आप अल्लाह का नाम लेते हो आपको अपना हाथ दिखता है? दिखता है? यू देखते हो उसको? बुद्धा का आपने पिक्चर फोटो देखी है उसका आपको हाथ उनका हाथ दिखता है आपको? तो सवाल यह है, इस हाथ का क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? आपको आप धर्म की बात करते हो, आप सब धर्म की बात करते हो, मैं आपसे पूछता हूं, ये जो चिन्ह है जो गुरु नानक की फोटो में दिखता है, जो शिवा की फोटो में दिखता है, जो हर धर्म में दिखता है, इसका क्या मतलब है? लोग कहते हैं कि इसका मतलब आशीर्वाद होता है। गलत, इसका मतलब आशीर्वाद नहीं होता है। इसका एक ही मतलब है, डरो मत, इसका यह मतलब होता है। सत्य बोलने से डरो मत, सत्य बोलो, इसका यह मतलब होता है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी का चिन्ह है, इसीलिए यह चिन्ह आपको यहां दिखेगा और हर धर्म में दिखेगा, इस्लाम में दिखेगा, हिंदू धर्म में दिखेगा, सिख धर्म में दिखेगा, बौद्ध धर्म में दिखेगा, जैन धर्म में दिखेगा, सब जगह दिखेगा, क्योंकि हर एक धर्म कहता है डरो मत, सच्चाई से डरो मत। और बीजेपी क्या करते हैं? बीजेपी सच्चाई से डरते हैं। बीजेपी डर है, बीजेपी डर है, कांग्रेस प्यार है।